हेलो गाइस, फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं 5G क्षेत्र में काम करने वाला एक कंपनी जिसका नाम है इंडोस टावर। पहले इसका नाम था दोस्तों भारतीय इंफ्राटेल, अभी इसका इंडोस टावर हो चुका है और कंपनी अभी नीचे लेवल में मिल रहा है। क्या इसको खरीदना चाहिए? आप देखोगे तो बहुत ही नीचे गिर चुका है, 141 तक आ चुका है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो कंपनी का यहाँ पर नेम चेंज हुआ था, 231 से कंपनी गया था 315। इस बीच देखोगे तो 31% की अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन इस बीच कंपनी 50% टूट चुका है। क्या भाई इसको बाय करना चाहिए? 38% की ओवरऑल डाउनफॉल है। पूरा डिटेल्स में स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, टारगेट बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर न्यू हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एनालिसिस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। कंपनी मिड कैप है, रिस्क कम है, तो हम लोग पैसा लगा सकते हैं। आप देखोगे तो कंपनी का पूरा डिटेल्स, कंपनी एक BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग होने वाला कंपनी है और 38,000 करोड़ का अच्छा मार्केट कैप रखा है। PV ठीक है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, हाई लो दे सकते हो। डिविडेंड आपको करीबन 7.5-8% की डिविडेंड दे देता है कंपनी, जो कि अच्छा बात है। डिविडेंड के लिए भी आप बाय कर सकते हो। ROC ROE ठीक है, फेस वैल्यू 10 का है, कर्जा 20 करोड़ का है, रिजर्व 17,000 करोड़ का है। उसके अलावा असर देखोगे कर्जा से ज़्यादा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, प्रॉफिट में चल रहा है और पर शेयर के पीछे 9 रुपये कंपनी ऑन कर रहा है। नेटवर्थ अच्छा है, डिविडेंड देता है, डेट टू इक्विटी कम है, यानी कंपनी कर्जा मुक्त बोल सकते हो। उसके अलावा आप देखोगे कंपनी यहाँ पर टेलीकॉम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करता है, दो ही कंपनी है ये नंबर वन पर आता है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस मेन चीज है, खराब हुआ है, ऑपरेटर प्रॉफिट डाउन, नेट प्रॉफिट माइनस हुआ है। ईयर वाइज देखोगे कारोबार सही हुआ है, लेकिन ऑपरेटर प्रॉफिट डाउन, नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है। 6,000 करोड़ से 2,400 करोड़ तक आ चुका है। इसी यही एक प्रॉब्लम है, कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, इसलिए शेयर नीचे आ रहा है। और थोड़ा नीचे गिरने के बाद आप इसको बाय कर सकते हो, 200 का टारगेट है। अर्निंग पर शेयर भी गिरा है, डिविडेंड पेआउट भी गिरा है। सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, सीजीआर नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव। एसेट देखोगे, एसेट में दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। होल्डिंग देखोगे प्रोमोटर 68, FII वाला 26, DII वाला 2.87, पब्लिक यहाँ पर 1.50, अदर जो है 0.01। तो ये सारा पैरामीटर को देखने के बाद अगर आप एक लॉन्ग टर्म की नजर लेकर आओगे 250 तक जा सकता है ये स्टॉक, लेकिन टाइम लगेगा, कंपनी अभी नेगेटिव प्रॉफिट में चल रहा है। तो होप करता हूँ प्रमोशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोऑर्डिनेशन डिस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।